Hello children, we are reading A Kitchen in the Corner of the House, page 192, and we are ending the story this time. She let out a huge breath. We are talking about Gigi, who has fallen sick and is reminiscing about what had happened when she got married, what was she gifted with, and how her mother on her Vidai day had given her प्रेशियस एडवाइस. माँ ने 15 साल की इस बच्ची को विदाई में सिर्फ 2 सूक्त दिए थे. सूत्र एक तो रसोई में कंट्रोल रखना और दूसरा हमेशा खुद को सजा धजा के रखना. और यही 2 मंत्र थे जिससे वो उसको लगता था कि उसकी गृहस्थी सुखी रहेगी. शादी होकर जब वो इस घर में आई तो 30 लोग इस घर में रहते थे. 5 किलो आटा वो लगाती थी रोज़. 300 रोटियां बेलती थी. और पहले दिन जब बेली थी तो हाथ में नील पड़ गए थे. कंधों में शूटिंग पेन शुरू हो गया था. और पिताजी ने सिर्फ तारीफ में कहा था, शाबाश, तुम बहुत अच्छी वर्कर हो. शी लेट आउट अ ह्यूज ब्रेथ. इस समय उसने एक लंबी ठंडी सांस भरी. वी हैड अ बेबी, अ सन, इवन बिफोर गोपाल. हमारी एक बच्चा हुआ, एक बेटा, गोपाल से भी पहले. डिड यू नो दैट, तुम्हें पता है क्या? ही डाइड एट द एज ऑफ 1. वो 1 ही साल का था जब वो मर गया. देयर वॉज पूजा दैट डे. उस दिन ने पूजा थी घर में. एवरी वन वॉज इन द किचन. सभी रसोई में थे. द बेबी हैड क्लाइम्ब द स्टेज एंड फॉलन ऑफ द पैरापेट वॉल. और वो बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ गया और छज्जे से गिर गया. ही हैड क्रॉल्ड अप 30 स्टेप्स. वो 30 सीढ़ियाँ चढ़ गया. हर्ड दैट ह्यूज स्क्रीम जस्ट एज आई वॉज पुटिंग द पूरीज इन टू द हॉट ऑयल. और वो तेज़ चीख मैंने तब सुनी जब मैं पूरियाँ तल रही थी. इट सीम टू नॉक मी इन द पिट ऑफ माई स्टमक. और उसने मतलब वो चीख सुन के ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर से, पेट में से सब हवा निकल गई. द ब्लास्ट ऑफ हिज स्कल वॉज स्प्लिट. बेस, उसके सर का जो बेस था वो फट गया. His brains were splattered all over the stone pavement like white droppings. और उसका जो दिमाग था, सर फट के दिमाग बाहर कपड़ों सब पत्थरों पर फैल गया जैसे कि कबूतर की बीट हो. After all the men returned, I fried Meena. Are you listening? I fried the rest of the puris. और उसके बाद आदमी उसको ले गए होंगे शमशान में, या जैसे 1 साल के बच्चे को शायद दफनाया होगा. तो उसकी क्रिया हो गई. जब वो लौट के आए, कहते आफ्टर ऑल द मैन रिटर्न्ड आई फ्राइड. मीना तुम सुन रही हो ना? आई फ्राइड द रेस्ट ऑफ द पूरीज. क्या विडंबना है इस महिला की. आप देखिए, 1 साल का बच्चा जिसका रसोई में ये थी, तब उसको आवाज़ आती है उसके गिरने की, वो ख़त्म हो जाता है. और उसके बाद भी उसको उसका क्रिया हो जाती है. लौट कर आदमी घर आते हैं तो फिर उससे पूरियां तलवाई जाती हैं. मीनाक्षी स्ट्रोक जीजीज फोरहेड. मीनाक्षी जीजी के माथे को सहलाने लगी. आफ्टर फादर इन लॉ डाइड आई स्लिप द कीज ऑन टू माई सिल्वर वेस्ट. भोक, मीना, सी हाउ मच आई गेंड. आई एम लाइक अ क्वीन, डोंट यू थिंक? और जैसे ही ससुर जी मरे, मैंने वो चाबियों का छल्ला अपने छल्ले में लगा लिया. सारी चाबियाँ अपने छल्ले में बांध ली. मीना, सी हाउ मच आई गेंड. देखो मीना, मैंने कितना कुछ पाया है. आई एम लाइक अ क्वीन, मैं रानी की तरह हूँ. डोंट यू थिंक? तुम्हें नहीं लगता? जीजी मटर्ड. शी वॉज ऑलमोस्ट अस्लीप. वो करीब करीब नींद में थी. मीनाक्षी बेंट लो टू दोज विदर्ड ईयर लोब्स वेयरिंग फ्लावर शेप्ड ईयर स्टड्स कवर्ड इन पर्ल्स एंड ब्राइटली कलर्ड जेम स्टोन्स. मीनाक्षी नीचे झुकी. उसने देखा बिल्कुल मुरझाए हुए से कान के ईयर लोब्स थे जिनमें खूबसूरत फूल की शेप के उसने ईयर स्टड्स पहने हुए थे, मोती के और जेम स्टोन्स के. दे वर अलोन, जी जी एंड शी अलोन एज महाविष्णु ऑन हिज सर्पेंट बेड फ्लोटिंग अपॉन द वाइड स्प्रेड सी. बिल्कुल उसी तरीके से अकेले हैं वो, जी जी एंड शी, उसकी सास और वो, जैसे महाविष्णु जो हैं वो अपने सर्पेंट बेड पे, यानी जो अपनी सर्प शैया पे वो हैं, फ्लोटिंग अपॉन द वाइड स्प्रेड सी, समुद्र में तैर रहे हैं. इन दैट डार्कन्ड रूम देर वॉज अ फीलिंग लाइक दैट ऑफ द कटिंग ऑफ एन अम्बिलिकल कॉर्ड. और उस अंधेरे कमरे में उस दिन ऐसी फीलिंग थी जैसे कि
बच्चे की नाल कट रही हो, अम्बिलिकल कॉर्ड कट रहा हो. वी कैन नॉट बी सर्टन वेदर दिस कन्वर्सेशन वॉज एक्चुअली स्टार्टेड बाई हर. हम ये नहीं कह सकते, निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि ये जो बातचीत थी, ये वार्तालाप था, एक्चुअली उसी ने शुरू किया, और वेदर इट हैपन्ड ऑन इट्स ओन या वो स्वयं ही हो गया, और वेदर इट ओनली सीम्ड टू हर टू हैव अकर्ड बिकॉज शी हैड इमेजिन्ड इट सो ऑफन. या ये भी हो सकता है कि उसको लगा हो कि उसने बार बार ये चीज़ सोची हो तो लगा हो कि हो गया है. इट इज़ नॉट इवन सर्टन वेदर दैट कन्वर्सेशन वॉज बिटवीन द टू ऑफ देम अलोन. और ये भी निश्चित नहीं है कि ये जो वार्तालाप है केवल इन दो के बीच में ही हुआ हो. जी जी, नो स्ट्रेंथ कम्स टू यू फ्रॉम द किचन, नॉर फ्रॉम द नेकलेस, नॉर बैंगल, नॉर हेड बैंड, नॉर फोर हेड ज्यूवल. और वो कहना चाह रही थी उसको जैसे कि जी जी, ताकत तुम्हारे गहनों से नहीं आती, रसोई से नहीं आती, या ये जो मांग टीका तुमने चेहरे पे अपने सर पे डाल रखा है इससे नहीं आती. अथॉरिटी कैनॉट कम टू यू फ्रॉम दीज थिंग्स, अथॉरिटी इन चीज़ों से आ ही नहीं सकती. दैट अथॉरिटी इज़ पापा जी, वो अथॉरिटी तुम्हारे पति हैं, पापा जी हैं. फ्रॉम ऑल दैट बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बट इफ़ आई फ्री माई सेल्फ देन वॉट इज़ लेफ्ट. और इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, ऐसा वो बहू अपनी माँ से कह रही है, सासू माँ से. और सासू माँ का जवाब है, बट इफ़ आई फील फ्री माई सेल्फ देन वॉट इज़ लेफ्ट. अगर मैं अपने आप को मुक्त कर भी लूँ फिर क्या बचता ही क्या है. यू अलोन हैविंग रिनाउंस्ड योर ज्वेलरी, योर चिल्ड्रन एंड पापा जी, योर सेल्फ कट फ्री, जस्ट दुलारी बाई अलोन, एंड फ्रॉम दैट स्ट्रेंथ अथॉरिटी. तुम रह जाओगी, छोड़ दो ये गहना, त्याग दो बच्चे, छोड़ दो पापा जी का भी मोह, छोड़ दो, तब अपने आप को मुक्त करो इन सब चीज़ों से, इन जंजालों से, और खुद बन जाओ, स्वयं दुलारी बाई बन जाओ जो तुम हो, और उसमें से स्ट्रेंथ लो, वही तुम्हारी असली अथॉरिटी है. एंड व्हेन आई हैव रिनाउंस ऑल दैट देन हु आई एम आई, फाइंड आउट, डिप इन एंड सी. और बोले, और मैं ये सब कुछ अगर रिनाउंस कर भी दूँ, मान लो त्याग दूँ, फिर मैं क्या हूँ. फाइंड आउट, बोले प्रयास करो, कोशिश करो जानने की, तभी पता लगेगा. डिप इन टू वॉट, किस में कूदूँ. इन टू योर ओन इनर वेल, अपने खुद के अंदर जो कुआं है उसमें कूदो. बट देर इज़ नथिंग टू होल्ड ऑन टू, आई एम फ्राइटेंड, मैं कहाँ कूदूँ, मेरे को डर लग रहा है, कुछ पकड़ने को नहीं है. डिप इन डीपर डीपर, फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन दुलारी बाई एंड द वर्ल्ड. अपने अंदर झांकते चले जाओ, गहरे गहरे उतरते चले जाओ, और ढूंढो इस संसार का दुलारी बाई से क्या रिश्ता है. हैड देयर नॉट बीन दोज 300 चपातीज टू कुक एवरी डे, नॉर दोज 14 चिल्ड्रन हु वंस किक्ड इन योर वूम, तब तुम क्या होती. अगर वो 300 रोटियां तुम्हें पहले दिन ना बनानी पड़ती, या 14 बच्चे तुम्हें नहीं पैदा करने पड़ते, जो 14 बच्चे जो तुम्हारे कोख में किक करते थे. If your thoughts had not been confined to mutton pulao, masala puri, aloo, dhaniya powder, salt, sugar, milk, oil, ghee, socho, yadi tumhare mastishk mein yahi sab vichar na bhar diye hote, sirf tum khana peena, aloo, mutton, masala, dhaniya, in mein reh gayi band ke. If you had not had these constant cares, yadi ye sari ji ke janjal tumhare paas na hote, once every 4 days the wick to the stove has to be pulled up. Whenever kerosene is available, it has to be bought and stored in. ये चिंताएँ कि हर 4 दिन में एक बार स्टोव की बत्तियाँ खींचनी हैं, केरोसिन जब भी अवेलेबल हो खरीद के स्टोर कर लेना है. इन द रेनी सीजन द राइस हैज़ टू बी वॉच्ड एंड द दाल माइट बी फुल ऑफ इंसेक्ट्स, बारिश होगी तो चावल को दाल को देखना है कि कहीं कीड़ा ना पड़ जाए. Pickles must be made in the mango season. आम का सीज़न आया तो अचार बनाना चाहिए. When the fruit is ripe, it will be time for sherbat, juice and jam. फल पकेगा तो जूस बनाना है, जैम बनाना है, शरबत बनाना है. Old clothes can be bartered for new pots and pans. पुराने कपड़ों को दे के नए बर्तन खरीदने हैं. Once a fortnight, the drainage area in the kitchen must be spread with lime. Drainage area kitchen का कम से कम हर 15 दिन में उसमें भी मीठा सोडा डालना है, लाइम डालना है. वंस पीरियड्स कम इट विल बी वरी, इफ दे डोंट कम इट विल बी अ वरी. महिला के साथ तो समस्या कितनी बड़ी है, पीरियड्स आए तो चिंता, नहीं आए तो भी चिंता. इफ ऑल दिस क्लटर हैड नॉट फिल्ड अप द ड्रॉर्स ऑफ योर माइंड, परहैप्स यू टू माइट हैव सीन द एप्पल फॉल. और ये सारा
कचरा अगर दिमाग में तुम्हारे नहीं होता तो क्या पता तुम भी एप्पल को गिरते हुए देखती। यदि तुम्हें कहीं फुर्सत मिलती, तुम इन सब चीज़ों से उभर कर कुछ सोच पाती तो शायद तुम भी देख पाती आइंस्टाइन की तरह एप्पल को गिरते हुए। द स्ट्रीम गैदरिंग एट द केटल स्पाउट, स्टीम को केतली से उठते हुए। माइट हैव डिस्कवर्ड न्यू कंटेनेंट्स, तुम कोलंबस की तरह क्या पता कुछ नई ईजाद कर लेती, कुछ नया ढूंढ निकालती। रिटन अ पोएम वाइल सिटिंग अपॉन माउंट कैलाशम, क्या पता कैलाश पर्वत पर बैठ के कोई कविता ही लिख देती। माइट हैव पेंटेड अपॉन द वॉल्स ऑफ केव, क्या पता तुमने बहुत बड़ी तुम पेंटर भी बन सकती थी। माइट हैव मेड अ वर्ल्ड विदाउट वॉर्स, प्रिजन्स, गैलोज, केमिकल वॉरफेयर, हो सकता है तुम इंस्ट्रूमेंटल होती बिना लड़ाई के इस संसार को बनाने में। वेयर डिड यू गो अवे, जीजी तुम कहाँ चली गई। हाउ कुड यू थिंक दैट योर स्ट्रेंथ केम फ्रॉम फूड दैट वॉज गिवन इन द अप्रोप्रिएट मेजर एंड ज्वेलरी दैट वेज डाउन ईयर्स एंड नेक एंड फोरहेड, तुम कहाँ खो गई। तुमने ये कैसे सोच लिया कि ताकत तुम्हें मिलती है सिर्फ खाने से, ताकत मिलती है गहनों से जिससे तुम्हारे सारा शरीर लटक गया। सिंक डीपर स्टिल, और गहरे जाओ। वैन यू टच बॉटम यू विल रीच द यूनिवर्सल वाटर्स, जब तुम रॉक बॉटम टच करोगी तब तुम यूनिवर्सल वाटर्स में आओगी। यू विल कनेक्ट योर सेल्फ विद द वर्ल्ड दैट सराउंड्स यू, तब जाके कहीं तुम अपने इर्द गिर्द इस संसार से अपने को जुड़ाव महसूस करोगी। योर वूम एंड योर ब्रेस विल फॉल अवे फ्रॉम यू, और फिर तुम महिला नहीं रह जाओगी कि बस जो जिसके ब्रेस्ट होते हैं या कोक होती है। द स्मेल ऑफ कुकिंग विल वैनिश अवे, खाने पीने की स्मेल भी चली जाएगी। द स्पार्कल ऑफ ज्वेलरी विल डिसअपियर, गहने की चमक भी मध्यम पड़ जाएगी। एंड देयर विल यू बी, तब तुम अपने आप को पहचानोगी। नॉट ट्रैप्ड नॉट डिमिनिश्ड बाय जेंडर बट फ्रीड, ना तो जेंडर से ट्रैप होगी ना उसको छोटा तुम्हें तुच्छ बनाया जाएगा, तब तुम आज़ाद होगी। सो टच द वाटर्स जीजी एंड राइज राइज राइज, जीजी टर्न सर्च फॉर द हेल्ड फास्ट टू मीनाक्षीज हैंड, और तब तुम्हें अपने आप को पाने को मिलेगा। तो इसलिए तुम उठो, पहले बॉटम छुओ और फिर उठो, उठो राइज लाइक अ फीनिक्स। तो जीजी लेटे लेटे ही मुड़ी और ढूंढा उन्होंने और मीनाक्षी का हाथ कसकर पकड़ लिया। दिस स्टोरी हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम तमिल बाय लक्ष्मी होमस्ट्रॉम, तमिल लिटरेचर में लिखी गई इस कहानी का अनुवाद किया है लक्ष्मी होमस्ट्रॉम ने। बहुत ही दिल को छूने वाली सी ये कहानी है, अभी यहाँ जिसको हमने ख़त्म किया है, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर्स अगले वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे।